ओह कमाल। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बाय मोहम्मद उमर एंड यू आर वाचिंग नबी रिएक्शन। उम्मीद है यार बांग्लादेश के तमाम सिंगल मिंगल लोग ठीक होंगे। तो कैसे हो यार तुम सब? यार आज आपके लिए एक जबरदस्त सी वीडियो लेके आ गए हैं। आज एक अगेन बांग्लादेश का सैन मार्टिन बीच हमने देखा हुआ है, आज एक नया बीच देखने जा रहे हैं और बीच का नाम है गोलिया खाली सी बीच। इसके ड्रोन शॉट्स होंगे, ज़बरदस्त अमेजिंग बीच होने वाला है, आई होप सो, क्योंकि बांग्लादेश के बीचेस काफ़ी फेमस है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। और सैन मार्टिन की तो मैं क्या कहता हूँ, क्या ही बात है। तो ये किस किस्म का बीच है ये आज की वीडियो में देखेंगे। और जो इसकी इंफॉर्मेशन है ये मुराद अप्पा ज़िला में चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट में है। मुरादपुर को मैंने अभी देखा नहीं हुआ कि कैसा वो सिटी है, तो ज़रूर इंशाल्लाह फ्यूचर में एक वीडियो आएगी मुरादपुर के बारे में। लेकिन ये चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट में है मुरादपुर, और उधर एक ये बीच है जिसका नाम है गोलिया खाली सी बीच। उसके ड्रोन शॉट्स हैं वो आज हम देखेंगे, तो इसके बारे में रिव्यू भी होगा। और एक इंटरेस्टिंग काफ़ी फैक्ट है कि इसके पास एक काफ़ी फेमस टेम्पल है, उसका मैं नाम पढ़ लेता हूँ। ओके, तो इसके पास है चंद्रनाथ टेम्पल है, वो एक काफ़ी फेमस है। ओके, और ये इसका ऑफशोर है बे ऑफ बंगाल, काफ़ी जो फेमस है बे ऑफ बंगाल। या यही इसकी इंपॉर्टेंस बातें हैं जो मुझे पता हैं। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बिना वेस्ट किए आज का रिएक्शन स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो मेक श्योर आप उनके चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, 3, 2, 1, हियर वी गो। ओके, कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये लोकेशन है। ओके, पानी कम है कि क्या सीन है? काफी ड्राई बीच है, ये क्या चीज है? काफी एक अच्छा पैच बना हुआ है। ओ भाई, ओ भाई व्यू चेक करो यार, ये इतना पानी नहीं है, काफी ड्राई बीच है। लेकिन इससे पहले बीच से पहले जो सॉइल पे क्या हुआ हुआ है काफी अच्छा लग रहा है। ये चीज क्या थी यार, काफी अच्छा पैटर्न है। ओहो हो, ये ड्रोन शॉट कमाल होने वाला है। आहा हा, पीछे से फुल जंगल वाला सीन आ रहा है यार, कमाल। ओह कमाल, ओए होए 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 होए, सही भाई, स्टार्ट में ड्राई है लेकिन हैवी का काम भाई, हैवी है। बोटिंग का सीन भी है, ओए होए, यहां डीपी लेने का फेसबुक के लिए अलग ही सीन है भाई। वैसे भी बांग्लादेश में बोटिंग कल्चर काफी ना ज्यादा है। ओहो हो, ब्रिज भी दिखाया गया हुआ है।
ड्रोन की प्रमोशन करती है, वाह। तो यार अगर इस वीडियो के रिव्यू की बात करें, बीच काफ़ी अच्छा था, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, मतलब अच्छे से थोड़ा अच्छा, क्योंकि एक जो इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे लगा, जो पैटर्न बना हुआ था वो काफ़ी फेमस था। अभी मैंने इसकी इमेजेस देखी हैं इस बीच की, तो काफ़ी फेमस जाना जाता है इस पैटर्न की वजह से, जिसकी वजह से ये बीच काफ़ी फेमस है। तो यार अभी मैं इस बीच की इमेजेस देख रहा था, तो ये जो पैटर्न बना हुआ था सॉइल के ऊपर, तो ये काफ़ी फेमस है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो इस बीच पे, तो इस पैटर्न की आपको इमेजेस देखने को मिलते हैं। तो इस बात से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये जो पैटर्न है इस बीच की खसूसियत है, जिसकी वजह से इस बीच की इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर ये ना होता तो फिर ये एक मतलब नॉर्मल टाइप का बीच ही होता, लेकिन इस पैटर्न की वजह से इसको फेमस हो गया हुआ है। और बीच भी काफ़ी एक अच्छा है, मतलब जिसमें बोटिंग कल्चर है। स्टार्ट में थोड़ा आपको ड्राई टाइप देखने को मिलता है, पानी भी थोड़ा गंदा देखने को मिलता है, और मैंने नोट किया कि यहाँ थोड़ी सफाई भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, एक सच्चा हम रिएक्शन देते हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पुल वगैरह की, ब्रिज की सफाई करे, क्योंकि ये कल्चर है यार पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, मतलब जिस जो भी हिस्टोरिकल जिसकी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको कोई पूछता नहीं, वहाँ गंदगी होती है। पाकिस्तान में भी 1000 साल पुराना टेंपल था, उधर वहाँ लोग जुआ खेलते थे, मतलब जो भी गंदे गंदा सीन होता है ना, मतलब बदबू वहाँ से आती थी, तो वहाँ मतलब इतनी गंदगी थी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, गूगल में एक पाकिस्तान में एक कंपेन चली कि मतलब एक इसको टूरिस्ट के लिए बनाना चाहिए। इंडिया में से भी वो जो हिंदू कम्युनिटी थी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई कि हमारा इस तरह क्या हाल किया हुआ है, हमारी निशानी है। तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और वहाँ एक मुरम्मत करवाई, रीविजिट करके दोबारा उसको इस्टेब्लिश किया। तो गवर्नमेंट को चाहिए जब वो खंडरात बन जाए तो तब नहीं एक्शन लेना चाहिए, पहले ही। तो ये काफ़ी एक अच्छा हिस्टोरिकल और टूरिस्ट पॉइंट हो सकता है, तो अगर थोड़ा इस पर इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन जगह काफ़ी कमाल की थी, इंटरेस्टिंग थी, लोग इंटरेस्टिंग जगह पे जाना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए पहली दफ़ा शॉकिंग हुआ था कि बांग्लादेश में मैंने पानी, वैसे अगर आप किसी भी सिटी को उठा लें तो वहाँ आपको वाटर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये पहली वो जगह प्लेस थी जहाँ मुझे पानी की कमी लगी है, क्योंकि स्टार्ट में ड्राई था और मैं ये चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि आपने जब भी बीच का देखा होगा तो स्टार्ट में ही ये आपको पानी की लहरें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा सीन नहीं था। आई डोंट नो कि क्या सीन है, मुझे तो उसकी वो पैटर्न की भी नहीं समझ आई, लेकिन जो भी था यार अमेजिंग था, मतलब तस्वीरें खिंचाने के लिए परफेक्ट जगह ये। सेकेंडली, जो ब्रिज का एंडिंग पॉइंट था जहाँ बोट पे बैठते थे, वहाँ से जो ड्रोन शॉट दिखाया ना, मतलब मैं कहता हूँ 10/10 मार्क्स मिलने चाहिए, मतलब इतना ज़बरदस्त पीछे से वाटर का पूरा स्पॉट आ रहा था। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर था, एक सीनरी टाइप कह सकते हो, जो आपको पिक्चर्स देखने को मिलती है, जिसको हम घर में लगाते हैं तो इस तरह का अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। कोई गूगल पे पिक्चर्स देखते हो वॉलपेपर, तो इस तरह का वो सीन मुझे लगा, उसको मैं 10/10 दूंगा। अगर हम बीच की बात करें तो बीच को मैं मतलब इसके इंटरेस्टिंग फैक्टर की वजह से मैं उसको 10/8 दूंगा। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक मैं शेयर हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और आप मुझे बताना कि कौन कौन इस बीच पे जा चुका है। और अगर आपकी अगर यार कोई रिकमेंडेशन है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे हाजिर है, मैं वहाँ बड़ा एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे लिंक सेंड कर दिया करो और यूट्यूब पे कमेंट भी कर दिया करो। तो भाई यही था रिएक्शन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक मैं शेयर एक दफ़ा फिर कर दो। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।